ओम श्री नारायणाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री नारायण की कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं, जानते हैं आखिर गुरुवार के दिन किस तरह से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। भगवान विष्णु की कृपा होते ही माँ लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं, अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। सनातन परंपरा में हर दिन किसी न किसी देवी देवता का माना जाता है। गुरुवार का दिन सभी का कल्याण करने वाले, सौभाग्य को जगाने वाले भगवान श्री नारायण बृहस्पति भगवान की पूजा की जाती है। जिन लोगों को धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, जिनके कुंडली में गुरु इत्यादि दोष लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिनको सफलता ना मिलती हो, बनते बनते काम बिगड़ते हों, ऐसे लोगों को भगवान नारायण की बृहस्पतिवार के दिन पूजा करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को केला, गुड़, रोटी जरूर खिलाएं, पशु पक्षियों को दाना डालें, कुत्ते को रोटी दें, साथ ही साथ केले के पौधे की पूजा करें, गुड़ और चने से पूजा करें, साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, 16 गुरुवार तक बृहस्पतिवार का व्रत करें। ऐसा करने से मुश्किलें कम होती हैं और जीवन में धन का योग प्रबल होता है, जीवन में सुख संपत्ति आती है। सनातन परंपरा में मंत्र का भी बहुत प्रभाव है। हर बृहस्पतिवार के दिन चंदन या तुलसी के माले से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। केले की पूजा करें, केले के पौधे की तांबे का पात्र या और किसी का पात्र हो, लोटे में मुनक्का है, गुड़ है, चना डाल लें और केले के पौधे पर जल चढ़ा दें। साथ ही साथ थोड़ा दान पुण्य करें पीली चीज़ों का, इससे आपके जीवन में धन का योग प्रबल होगा और सुख शांति संपन्नता आपके जीवन में आएगी। तो ज़रूर ही इस उपाय अपनाएं, महालक्ष्मी की कृपा होगी, विवाह भी होगा, धन भी आएगा, सुख संपन्नता भी आएगी, संतान की भी प्राप्ति होगी। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। आप सभी पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। ओम श्री नारायणाय नमः।